नमस्कार, मैं नीलिमा ठाकुर हुंकार 24/7 में आपका स्वागत करती हूं। और आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं हम, जिन्होंने एक ऐसी विचारधारा को लेकर एक संगठन बनाया है जिसमें कि पार्टी पार्टी से पहले, मानव से पहले, सबसे पहले एक राष्ट्र का नाम आता है और राष्ट्र हमारे लिए सर्वप्रथम है। इस सोच के साथ आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सुरेश जी से। और सुरेश शर्मा जी, आप देख रहे हैं राष्ट्र निर्माण के लिए देशभक्त लोगों का एक संगम, जय हिंद मंच। जय हिंद मंच के फाउंडर मिस्टर सुरेश शर्मा जी। सर आपने सबसे पहले, आप अपने बारे में बताइए, इस विचारधारा का जन्म जब आपके मन में हुआ तो आप किस उम्र में थे, आपने क्या सोचा और किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित किया कि आप ऐसा कोई मंच बनाए जिसमें कि आप एक पूरी क्रांति आपके इस मंच पे आज चल रही है, देश से इतने लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। 1985 में हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत सूबा पंजाब जब पाकिस्तान की साजिश का शिकार हुआ और खालिस्तान नाम से एक मूवमेंट हमारे सिख भाइयों के मन में अलगाववाद का जहर घोलकर पाकिस्तान ने जब आतंकवाद एकदम से पीक पर था तो गाड़ियों को, बसों को रोक रोक करके पंजाब रोडवेज और हरियाणा रोडवेज वो कुछ लोगों को उतार के सिर्फ इसलिए मार देते थे कि वो सिख नहीं है। सिख लोगों को एक तरफ करना और कुछ लोगों को मार देना कि ये हिंदू हैं, ये इस तरह की भावना जब हमने समाज में जहर की तरह से फैलते हुए देखी, तब हम एक छात्र नेता की हैसियत से अपने कॉलेज में अपने छात्रों से बातचीत करके और ये मन बनाया कि हमें जागरूक छात्र होने के नाते इस जहर को देश में फैलने नहीं देंगे। तब हमने अलग अलग कॉलेजों से, कुछ मैगजीनों में जो कॉलेजेस की मैगजीन होती थी उसमें लेख लिखे और कुछ वहाँ पर क्षेत्रीय अखबार थे उनमें एज ए स्टूडेंट लीडर लेख लिख करके, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, तो हमने छोटे अखबारों में लेख लिखकर छात्रों को जागरूक करके और कुछ स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और उस स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके हमने पंजाब में एक मार्च निकाला और हमने ये मैसेज देने की कोशिश की कि हिंदुस्तान दुनिया में एक अनोखा मुल्क सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई सदियों से इकट्ठे और एक भाव के साथ रहते हुए आए हैं। आज सिख अलग और हिंदू अलग, ऐसे भावना को हम स्वीकार नहीं करते। जी, आपने सही कहा कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसकी पुरातन संस्कृति की वजह से उसको जाना जाता है, जहाँ पर राम जी भी रहे, जहाँ पर महाभारत में आपने देखा कि एक सूत उनकी गाड़ी भी चला रहा है और वो बहुत मेल मिलाप के साथ सब लोग रहते थे। तो ये आपकी विचारधारा का, आपने इस जय हिंद मंच को आपने एक नाम दिया। जी, इसके बाद आपका इसका मूवमेंट जो आपने इसको किया, किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा, क्या क्या परेशानी आपके सामने आई? जब पहली इस समस्या को लेकर के छात्रों को एकत्रित किया तो कुछ लोगों ने हमारा सहयोग भी किया और बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन हमने विरोध को अनदेखा करते हुए उसी दिशा में हम आगे बढ़ते रहे, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए काम करते रहे। और एक दिन ऐसा आया कि खालिस्तान का आंदोलन दब गया और देश फिर से एकता के सूत्र में बंध करके काम करने लगा। उसके बाद हरियाणा और पंजाब के बीच सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा बहुत ज़बरदस्त तौर पर उठा हुआ था। भाखड़ा डैम जो मुल्क की विकास के लिए बना था, उसमें से पंजाब से होते हुए पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हरियाणा और राजस्थान के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन उसी खालिस्तान आंदोलन की वजह से और कुछ सरकारों के ढुलमुल रवैये की वजह से सतलुज यमुना लिंक नहर जो बननी थी वो आतंकवादियों ने रोक दी और वो हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा की तरफ नहीं आया। हमने उस आंदोलन को, खालिस्तान के आंदोलन को समाप्त होने के बाद सतलुज यमुना लिंक नहर में हरियाणा के हिस्से के पानी के लिए और राजस्थान के उस सूखे इलाके के पानी के लिए आंदोलन चलाया और सतलुज यमुना लिंक नहर के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। उसका नतीजा ये हुआ कि आज आप सब देख रहे हैं कि हाई कोर्ट चंडीगढ़ और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट भारत, दोनों कोर्टों का निर्णय है कि पंजाब और हरियाणा को सतलुज यमुना लिंक नहर का पानी हिस्सा मिलना चाहिए और वो नई नहर बननी चाहिए। ये जय हिंद मंच की दूसरी जीत थी कि जो छात्रों ने आंदोलन शुरू किया था वो सूखे इलाके में पानी
सूखे इलाके की प्यास बुझाने के लिए वो पानी का आंदोलन जहिंद मंच ने जीता और आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं और बहुत जल्द वो नहर बनेगी जी। और जैसे कि आपने बताया कि आप एक लंबे समय से मंच के अधिकारी भी हैं और अध्यक्ष रहे हैं और बहुत सारे अच्छे लोगों को समाज में आपने इसके साथ जोड़ा। आज जैसे कि आपने बताया कि इसमें करीबन 8 लाख के करीब लोग आप जोड़ चुके हैं, जिनमें कि 2.5 लाख महिलाओं की भी भागीदारी इसमें है, तो एक बड़ा हिस्सा आपके साथ जनसेवा में राष्ट्र के नाम से आपके साथ जोड़ा हुआ है। आप मुझे कुछ अपनी और इन वर्षों के दौरान आपकी कुछ और उपलब्धियों के बारे में बताइए। इसी दौरान पहली बार सन 1988 में कश्मीर के लाल चौक पर फारूक अब्दुल्ला की सरकार के समय, जब जैसे आज कश्मीर धधक रहा है, इससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति उस समय कश्मीर की थी। उस समय हम 1988 में पहली बार कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा करके आए। उस तिरंगा फहराने के 1.5 साल बाद उसकी नकल करके आज की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने हमारे से 1.5 साल बाद कश्मीर में तिरंगा फहराया था। हमें इस बात की खुशी थी कि हमने जो नज़ीर पेश की, हमने जो लाइन डाली, उस पर देश की बड़ी बड़ी पार्टियां चलने के लिए मजबूर हैं और उनको लगा कि ये ऐसा काम है जो करना चाहिए। हमने पहली बार 1988 में कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया और आज दोबारा से जहिंद मंच की युवा टीम ने नवीन जहिंद के नेतृत्व में 2016 और 2017 में दोबारा से कश्मीर के लाल चौक पर नवीन जहिंद के नेतृत्व में युवा टीम ने फिर कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया जी। और जैसे कि आपने कहा कि आप एक बहुत दिल्ली में भी आपकी एक बहुत अच्छी कार्यकारिणी रही, जिसमें आपने अन्ना आंदोलन में भी भाग लिया और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज सत्तारूढ़ पार्टियों में आज अच्छे अच्छे पदों पर हैं, मुझे थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, उसके ख़िलाफ़ एक जनमानस बना था, तो उस समय बहुत सारे लोगों ने हम आकर के संपर्क किया और उन्होंने कहा कि आपका इतिहास आंदोलनकारी टाइप का रहा है, आप सामाजिक बुराइयों के खिलाफ और सरकारों में जो एक गलत तरह के कार्यशैली होती है उसके खिलाफ़ मुखर आवाज़ में बोलते रहे हैं, तो कांग्रेस का 10 साल का जो शासन है वो ठीक नहीं है, इसके खिलाफ़ एक जनमानस को जगाना चाहिए। तो उस समय जो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ये परिवर्तन नाम से एक संगठन चलाते थे, जो उप मुख्यमंत्री हैं वो कबीर नाम से एक संगठन चलाते थे, लेकिन ये इनके संगठन एनजीओ थे जिनकी संख्या थोड़ी और बिल्कुल छोटी थी, लेकिन जहिंद मंच एक कैडर बेस्ड बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था जो दिल्ली के इर्द गिर्द और ख़ास करके हरियाणा में बहुत सालों से काम कर रहा था, लेकिन ये एनजीओ नहीं है। इन 8-10 लोगों ने अपने 8-10 संगठनों को मिला करके इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम से एक मूवमेंट खड़ा किया, जिसका नेतृत्व हम सब की सहमति से रालेगन सिद्धि के संत माननीय अन्ना हजारे जी ने किया और हम सब उनके सिपाही बन करके इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम से एक आंदोलन हम सब ने खड़ा किया और 10 साल के कुशासन के खिलाफ जंतर मंतर, रामलीला मैदान, बवाना जेल, तिहाड़ जेल, बवाना में एक स्टेडियम को ही अस्थाई जेल बनाया था, तो इस तरीके से रामलीला मैदान, बहुत सारी जगहों पे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का अन्ना मूवमेंट के नाम से इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर पे एक बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें से एक राजनीतिक पार्टी निकली, लेकिन हम गैर राजनीतिक लोग हैं, हम उस राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं बने और राजनीतिक पार्टी से दूर रहे और अन्ना जी के चरणों में जहिंद मंच को उसी तरीके से सामाजिक आंदोलनों को अग्रसर रहे और सामाजिक आंदोलन को हम उसी दिशा में आगे बढ़ाते रहे जी। जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि सत्ता में आने के बाद सबके भाव, सबके विचार बदल जाते हैं और वो जो पुरानी सत्ता को कुछ बोल रहे होते हैं वो खुद भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हैं, तो आपकी इस बात से कितना सहमत हैं कि जैसे कश्मीर के मामले में उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री साहब बोलते थे और आज जब सैनिकों की यह दशा हो रही है, ऐसी हालत हो रही है और अब उनका कहना कुछ और है, अब वो शांति है, चुप्पी बना के रखते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं इस बात से 100% सहमत हूँ, लेकिन मैं बहुत दूसरे एंगल से इस बात को सोचता हूँ। मैं इस बात को इस एंगल से सोचता हूँ कि जब तक पूर्ण व्यवस्था परिवर्तित नहीं होगी, सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होगा। आमूलचूल व्यवस्था परिवर्तन अति आवश्यक है। रही बात कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र की, वहाँ पर
पूर्ण बहुमत की एक दल की सरकार जब तक नहीं होगी तब तक उस बड़ी समस्या का निदान संभव नहीं है। कश्मीर जैसी प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए एक दल की पूर्ण बहुमत की सरकार अति आवश्यक है और वो वहाँ पर बहुत सख्ती के साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता का मुद्दे को लेकर के निर्णय लेने की सख्त आवश्यकता है जी। और अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि आप एक बहुत ही बड़ी संस्था को लेकर चल रहे हैं, बहुत सारे जनाधार आप लोगों के साथ हैं, अच्छे समाज सेवी राष्ट्र सेवी लोग जो कि धर्म समाज सबसे पहले राष्ट्र को महत्व देते हैं, ऐसे लोगों का एक समूह आप अपने अध्यक्षता में चला रहे हैं और भारत युवाओं का देश है और मैं उसी युवा के लिए आपसे एक संदेश चाहूँगी ताकि हम आने वाली अपनी युवा पीढ़ी को उनके मूल्यों और विरासत से रूबरू करा सकें, उसके लिए आपके विचार। मैं भारत के नौजवानों से सिर्फ एक ही अपील करना चाहता हूं कि वो अपने मौलिक भारत को बचाते हुए आधुनिक भारत का निर्माण करें। अगर आप अपने मौलिक भारत को बचाए रख कर के आधुनिक भारत का निर्माण कर पाएंगे तो आपकी रचना रचना कहलाएगी। दूसरा, मैं राजनीतिक संदेश ये देना चाहता हूं कि राजनीतिक पार्टियों का झंडा ना उठाएं, बल्कि गैर राजनीतिक रहते हुए राष्ट्रध्वज के नेतृत्व में नॉन पॉलिटिकल, एक तरह का पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप के रूप में अपने आप को इस तरीके से स्थापित करें कि आप राजनीतिक पार्टियों के मोहरे ना बने और एक जागरूक नागरिक होने के नाते सत्ता परिवर्तन की बात ना करके पूर्ण रूप से व्यवस्था परिवर्तन की बात करें, क्योंकि अगर व्यवस्था आप परिवर्तित कर पाए तब आप एक उस भारत का निर्माण कर पाएंगे जो विश्वगुरु था और भविष्य में फिर से विश्वगुरु हो सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक एक मेन चीज़ जो मैं पूछना भूल गई जिसके लिए आपकी तैयारी यहाँ कार्य चल रही है कार्यालय में, कल आपका एक प्रतिमा आवरण समारोह है जिसमें कि आपने बताया कि 1008 प्रतिमाएँ आप लगा चुके हैं शहीदों की और जय हिंद मंच शहीदों के लिए बहुत कार्य करता है, उनकी बहुत हर जगह उन्होंने जहाँ जहाँ भी देखा कि शहीदों के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत आई जय हिंद मंच का नाम हमने देखा सबसे पहले वहाँ पर लिखा गया है, तो कल किस किस प्रतिमा के लिए और क्या आपका कार्यक्रम कल का कार्यक्रम है? आप सब ने एक बात बहुत अमूमन देखी होगी कि जब सरहद से कोई शहीद का शव आता है तो 2000 की आबादी वाले गांव में 10,000 की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, पूरे का पूरा अमला जमला और सरकारी प्रशासन वहाँ पहुँच जाता है, सरकारी बंदूकें गरजती हैं, तिरंगा फहराया जाता है, सब लोग आंसू भी बहाते हैं, शहीद को सम्मान मिलता है और मिलना भी चाहिए। लेकिन 6 महीने बाद अगर आप उसी गांव में उसी घर की दोबारा अगर हालात देखें तो आपको रोना आ जाएगा, और 1 साल बाद क्योंकि हम प्रैक्टिकल उन घरों में जाते हैं, उस वीर नारी के सिवाय दूसरा कोई उन बच्चों को स्कूल में एडमिशन हुआ कि नहीं पूछने वाला तक नहीं होता। उस दर्द को जान करके जय हिंद मंच ने 6,841 गाँव में एक ऐसा कैडर का निर्माण किया कि हम ऐसे शहीदों के बच्चों को और ऐसी वीर नारी को और ऐसी शहीदों के माता पिताओं का हम देखभाल करेंगे, उनके जन्मदिवस और शहादत दिवस पर उनको याद करेंगे और जहाँ तक संभव हो पाएगा उसके पुश्तैनी गाँव में गोचर भूमि में से जमीन लेकर के एक एकड़ हर्बल पार्क बनाकर शहीद की प्रतिमा उसमें लगवाते हैं। आज हम 1008 शहीदों की प्रतिमाएं लगवा चुके। कल 29 तारीख को बुलंदशहर ज़िले के धनोरा गांव में उड़ी में शहीद हुए शहीद नितिन जी की प्रतिमा का अनावरण करने जाएंगे। एक कवि ने कहा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, लेकिन मैं प्रश्न पूछता हूँ समस्त देशवासियों से, मेले लगेंगे कैसे, कौन लगाएगा मेले? प्रत्येक भारतवासी को ये प्रण करना होगा कि जो देश के लिए जान देकर के चला गया उसके लिए मेले हम लगाएंगे, जय हिंद मंच के लोग लगाएंगे। वो मेले लगाने के लिए हम शहादत दिवस और जन्म दिवस पर एक भव्य उत्सव करते हैं, एक भव्य श्रद्धांजलि देते हैं और उस शहीद को याद करते हैं। कल शहीद नितिन की याद में उनकी एक प्रतिमा लगाएंगे। आप सबसे भी प्रार्थना करूंगा
कि धनोरा गांव में, बुलंदशहर ज़िले में आप भी सुबह 10 बजे ज़रूर पहुँचें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि सुरेश जी ने बताया कि जय हिंद मंच एक ऐसा मंच जिसके जरिए राष्ट्र सेवा को समर्पित हर इंसान इस कार्यक्रम में का एक हिस्सा हो सकता है, इस मंच का एक हिस्सा हो सकता है। ये जातिवाद पार्टी से सब चीज़ों से परे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि जुड़कर हर भारतवासी एक गर्व का अनुभव करेगा। तो जय हिंद मंच की इस मुहिम का हिस्सा बनिए, जय हिंद मंच की इस मुहिम में अपना साथ दीजिए। हर देशवासी के लिए सबसे पहला कार्य, सबसे पहली बात, सबसे पहला उसका माँ बाप से भी पहले अगर कोई आता है तो वो राष्ट्र आता है। जय हिंद।